आपका क्वेश्चन है, हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि एक हमारे पास में कैसा बॉल है, हेमिस्फेरिकल बॉल। ठीक है, लाइक दिस। ठीक, अब इसने क्या कहा कि ये जो आयरन शीट लगी है, ये जो आयरन शीट है उसका थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर, तो हम यहां पर लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर थिकनेस। फिर इसने क्या कहा, इनर रेडियस इज 1 मीटर, यानी कि आपका अंदर वाला रेडियस मीन्स यहां से लेके यहां तक दिस मच इज 1 मीटर्स। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। तो आयरन यूज वाला क्या होगा, आपका आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम इज योर वॉल्यूम ऑफ द आयरन। तो हम लिखते हैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर रेडियस माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा देखते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ आउटर रेडियस, तो 1 मीटर यहां है तो आउटर कितना हो जाएगा 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर आउटर रेडियस कितना हो गया 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर का 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर का 0.01, तो 1.01 मीटर्स इज योर आउटर रेडियस, 1.01 मीटर इज योर आउटर रेडियस, 1 सेंटीमीटर 1/100। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3, तो सेम लिखते हैं 2/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है आउटर का 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है हमारा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। आप देखोगे ये दोनों के अंदर ये दोनों क्या है कॉमन, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे बाकी को हम अंदर लिखते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 22/7। आप इसको सॉल्व करके माइनस भी करोगे तो भी आपका सेम आएगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे 1.01 क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो 1.01 क्यूब कितना होता है वो फाइंड आउट करते हैं, 1.01101 तो हमारा आ गया 1.01001 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, 3 टाइम्स है ना क्यूब है, तो हमारा आ जाएगा 1.02010000 नेक्स्ट 1.02010, तो हमारा आ गया 1.03010
301, ठीक है। तो सेम चीज लिखते हैं हम, 2 × 22 = 44 by 3 × 7 = 21 into, अब पॉइंट हमारा कहां पर आएगा, आप देखोगे टू डिजिट्स है सिंगल में, तो थ्री में कितना हो जाएगा 6, तो यहां पर भी 6 1 2 3 4 5 6 यानी 1.03 हमारा आ जाएगा 1.03 0301 -1, ठीक है। तो इसको माइनस करोगे तो आपको क्या आएगा 0.03, तो हमारा आ जाएगा 44/21 × 0.03001, डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 7, और इसको कट करते हैं तो हमारा आएगा 0.01010003, ठीक है। नेक्स्ट, अब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो देखते हैं हमारा क्या आएगा, या तो हमारा आ जाएगा 0.01010003 and 4444 से 12 0 4 0 4 0, नेक्स्ट 2 1 0 4 0 4, 2 3 1 4 4 4 4, तो कितने डिजिट्स के बाद है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स के बाद है ना, तो हमारा आ जाएगा 0.44441 × 7, that is equal to 0.4 में जा रहा है नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, अब हो गया 44 यानी किसे गया 6 से 42 है ना, 7 6 42, अब बच गया हमारा 24, तो 24 किस में जा रहा है हमारा 24 यानी 3 में 24, तो हमारा बचा 34, तो 34 किस में जा रहा है 4 28 यानी 61, यहां पर बच गया 6 and 1 61, तो 61 किस में जा रहा है 8 में, तो 8 जा कितना होता है 56 यानी 5 and 3 53, तो 53 किस में जा रहा है 7 से 49, तो 49 53 - 49 = 4242 यानी आपका फिर 6 से गया, तो आपका ये वैल्यू आ गई, क्या है ये हमारा वॉल्यूम ऑफ अ आयरन यूज, दैट मींस ये हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब, ठीक है।